सो हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिप मेडिसिन। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं बेटनोवेट एंड क्रीम के क्या क्या उपयोग होते हैं, इनके बारे में जानने वाले हैं, कैसे उपयोग करना है, इनके लगाने के बाद क्या क्या फायदे हो सकते हैं और कब कब लगाए, कैसे लगाना है और इसके लगाने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। सो इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिले। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सो फर्स्ट हम लोग जानने वाले हैं फार्माकोलॉजी ऑफ बेटनोवेट एंड क्रीम। इससे क्या फार्माकोलॉजी क्या है, इसके प्रॉपर्टीज होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इसमें जो मेन कंपोजिशन पाया जाता है ड्रग का नाम वो बेटामेथासोन और नियोमाइसिन पाया जाता है। बेटामेथासोन और नियोमाइसिन इसमें कंपोजिशन पाया जाता है। ये जो बेटनोवेट एंड क्रीम होता है वो सोन ड्रग कैटेगरी का एंटी फंगल दवाओं के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये जो एक प्रकार का एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल क्रीम होता है, ये बैक्टीरिया और फंगस से रिलेटेड डिजीज में काम आने वाली एक प्रकार की क्रीम ऑइंटमेंट है, ठीक है। इसमें जो पाया जाता है, इसमें पाया जाने वाला केमिकल साल्ट बेटामेथासोन एक प्रकार का एस्टेरॉइड होता है और नियोमाइसिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है। इस प्रकार से एक प्रकार का एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल क्रीम बन जाता है। सो नेक्स्ट चलिए इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, इसे यूजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट इसके यूजेस के बारे में जानते हैं, इसके क्या क्या यूज होते हैं। सो यूजेस ऑफ बेटनोवेट एंड क्रीम के क्या क्या यूज के बारे में जानते हैं। तो एथलीट फुट नाम की एक डिजीज होती है, जो जनरली शूज पहनते हैं, जूते का इस्तेमाल करते हैं या स्पोर्ट पर्सन होते हैं, उनके पैरों में छालनुमा संरचना बन जाती है, तो उस कंडीशन में उसे हील करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो इसका उपयोग होता है, जो इच डिजीज नाम की एक प्रकार की बीमारी होती है, जो कि जो लोग जनरली मोटे होते हैं या फिर जिनके बॉडी पार्ट्स जनरली कवर्ड होते हैं, उनमें हवा नहीं जा पाती है, तो उस वाले एरिया में इन प्रकार के डिजीज हुआ करती है, तो उन्हें भी ठीक करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, बेटनोवेट एंड क्रीम का। और नेक्स्ट इसका उपयोग सोरोसिस की कंडीशन में किया जाता है, यानी शरीर पे कुछ इस प्रकार की पपड़ी नुमा संरचना हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी इसे हील करने के लिए, ठीक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, जो एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन का एक रूप होता है। नेक्स्ट इसका उपयोग एजिमा की कंडीशन में किया जाता है, शरीर पे दाद हो जाना, खाज हो जाना या फिर उस पर खुजली जैसी संभावना उत्पन्न होना, तो उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसका उपयोग इंसेक्ट बाइट यानी कीड़ की किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े काट लेने पर वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया, बर्निंग हो रही है, तो उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसका उपयोग रिंग वॉर्म के कंडीशन में किया जाता है, शरीर पे कुछ इस प्रकार की गोलाकार संरचना हो जाती है, तो इसे भी ठीक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ईचिंग शरीर पे खुजली होना, रैसेस शरीर पे लाल लाल चकतीनुमा संरचना बन जाना या फिर जलन जैसी समस्या में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही इस क्रीम का उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सभी प्रकार के रिलेटेड डिजीज में इसका उपयोग किया जाता है। तो जानते हैं इसे कैसे अप्लाई करना चाहिए स्किन पे। सबसे पहले तो आपके जिस एरिया पे लगाएंगे उस सरफेस को आपको क्लीन कर लेना, या फिर जिस हैंड से लगाने वाले उस हैंड को पूरी तरीके से क्लीन साबुन से धो लें, फिर जिस एरिया पे लगाना चाहते हैं उस सरफेस के बीच वाले एरिया पे थोड़ा सा क्रीम लगाएं और उसे राउंड शेप में पूरी लगाएं, तब तक लगाएं वहाँ पर क्रीम जब तक कि वह स्किन उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब ना कर ले। एब्जॉर्ब होने के बाद उसे छोड़ दे। ये प्रोसेस आपको लगभग 2 हफ्ते तक कंटिन्यू करना है, आपको इसमें बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है, ईचिंग जैसी समस्या देखने को मिल सकती है, रेडनेस और रैशेस, लालीपन और शरीर पे दाने जैसी संरचना आपको बनने देखने को मिल सकती है, साथ ही स्वेलिंग स्किन टाइटनेस आपको जैसे समस्या देखने को मिल सकती है, स्किन का टाइट हो जाना। तो इसी प्रकार के अगर आपको किसी भी मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा।